अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू हैमिल्टन स्टूडियो। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने स्कूल में। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना स्कूल। कुछ ये है कि इस लड़की ने मुझे कहा था कि मुझे लेने आना, तो मैं इसको लेने आ गई हूँ, क्योंकि कल ये मुझे लेने आई थी, आज मैं इसको लेने आई हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा हुआ। आज मैं आपको अपना स्कूल का सारा टूर दूँगी, मतलब सीनियर विंग नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ जूनियर विंग थोड़ा दिखा पाऊंगी। ये तो वॉशरूम एरिया और ये वो दरअसल जिसको हम कहा करते थे कि यहाँ जिन रहते हैं। तो जी हम अपने स्कूल में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी तरह जिस तरह हम कभी करते थे एक्सरसाइज, बच्चे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनका पीटी का लेक्चर चल रहा लगता है। ये वो एरिया है जहाँ पर हम भी कभी हुआ करते थे। तो जी अब अंकल ने अनाउंस कर दिया है कि हम वन क्लास के बच्चों को लेकर आ सकते हैं, और अब हम जाएंगे और हरम को लेकर आएंगे। ये बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। मैं मेरे स्कूल का वैसे एक चार्म था, एक लेवल था, मतलब मज़ा आया। अल्लाह के हुक्म से वो फाउंटेन है जो मैंने सारी ज़िंदगी चलता नहीं देखा। अब हम हरम की क्लास में पहुंच गए हैं तो उसको लेते हैं। अच्छा, और अब हमने हरम को पिक कर लिया है। बहुत जल्दी आई हूँ आज, बहुत जल्दी आई हूँ। मैं इतनी देर से बाहर वेट कर रही थी। क्या हुआ, आपको क्या चाहिए? अब चिप्स चाहिए क्लास से आओ। तो मैं कल भी चिप्स चाहिए थे, आज भी। देखो आपने मुझे कहा था ना कि हमारे पापा मुझे लेने आना, मैं लेने आ गई। ये हम हरम के यहाँ से पहले चिप्स लाएंगे और फिर आगे जाएंगे। ले लिए चिप्स बस बस। ये वो सीटिंग एरिया जहाँ पे कभी हम भी ब्रेक में आके बैठते थे। आ जाओ हरम, यहाँ बैठे। यहाँ पर हमें हमारी बहुत क्यूट सी फ्रेंड मिली है। बताओ आपका नाम क्या है, बताओ उनको। थैंक यू। ये मेरे एवर ग्रीन फ्रेंड्स, मतलब इन दोनों को देखो, ये आज भी स्कूल में फिर रही है। ये हमारा बस एरिया होता था जहाँ पे हमारी बसेस खड़ी हुआ करती थी। ये है हमारा एवर ग्रीन केजे विंग, बॉयज विंग, और अब हम जाएंगे नर्सरी विंग। ये होता था हमारा नर्सरी केजे विंग। हर माँ को पता है मैं भी यहीं पढ़ कर गई हूँ, मतलब यार ये झूले याद आते हैं थोड़े थोड़े। मैं आप लोगों को अपनी फर्स्ट क्लास दिखाती हूँ, मतलब नर्सरी। ये रहा नर्सरी जी। बाजी ने हमें मना कर दिया कि अंदर पिक्चर मत लो, तो हम बाहर आ गए। और ये देखो यहाँ पे कितने सारे झूले। ये नहीं चेंज हो सकता भाई, ये सब कुछ वैसे ही है जैसे DPS 7 से 12 साल पहले था। जब मैं थी ना उस वक्त के झूले और आज जब थी। हाँ ये नहीं चेंज हो सकते। यहाँ पे हरम बाजी की फरमाइश है कि उसको झूले लेने हैं। अब ये आपका विंग नहीं रहा है, अब आप यहाँ से जाओ। अब आप वन में हो गई हो, अब आप वन में हो ना, तो अब आपका नहीं बनता। प्रीफेक्ट से डर गई। तभी हम भी यहाँ पर आकर खेला करते थे। यहाँ पे हम अपनी स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस करते थे। मुझे याद है मैंने पहली चाटी रेस की प्रैक्टिस इसी ग्राउंड में की थी। मैंने भी की थी। क्या आपने तो पीटी में की थी। हरम टफर्स की तरह वहाँ पे लंबा रास्ता लेने चली गई है। फंस गई हो। ये हमारा ऑफिस होता था, और अब ये वो वैन एरिया जहाँ पे सारी वैन खड़ी होती थी। आपको पता है छोटी भी छोटी है। हाँ ऐसे कहते हैं। नहीं क्या अच्छा बॉयज़ को छुट्टी हो गया, पहले मिकाल को ढूंढो। बाबा नहीं लेना है, हम खुद ही जाएंगे। हाँ पैदल लेके जाओगी तुम्हें घर तक। अब हम मिकाल को लेने आए और मिकाल वो वहाँ पर खड़ा हुआ, और जी मिकाल ये रहा। हेलो मिकाल, सलाम नहीं निकलता खाने मुँह से, अस्सलाम वालेकुम। निकालने मेरे हाथ में नोट ही नहीं किया। अरे ये क्यों गिरा रही हो, कितना अच्छा लग रहा है यार। आज मैं अंदर से नहीं व्लॉग बना पाई, मैम आ रही थी तो वो लोग जल्दी जल्दी में सब कुछ बंद कर रहे थे। मैंने नहीं बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, जितना देखा है उतना काफ़ी है।
जी अब हम घर आ गए हैं। आपको कैसे लगा आज मैं आपको लेने आई हूँ? अच्छा लगा है, लेकिन मुझे अपनी गाय के साथ बहुत अच्छा लगा है। कम बोला कर। और हम पागल हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ मैं अंदर से नहीं दिखा पाई, लेकिन जो व्लॉग मैंने डिलीट किया था उसके अंदर से भी था, लेकिन कोई बात नहीं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय।